हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। जैसा कि वीडियो के थंबनेल टाइटल में आपने देखा है, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंजल वन के अंदर रोबो ऑर्डर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा रोबो ऑर्डर के अंदर आप सभी लोग स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक साथ सिंगल ऑर्डर में कैसे लगा सकते हो किसी भी अपने निफ्टी के, बैंक निफ्टी के या फिर सिड निफ्टी के ट्रेड के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ एंजल वन के होम पेज के ऊपर हम यहाँ पे लॉगिन हमने यहाँ पे कर लिया है। अगर आप में से किसी का अकाउंट अभी तक एंजल वन के अंदर नहीं ओपन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है और वहाँ पे रोबो ऑर्डर को प्लेस करना है, रोबो ऑर्डर का यूज करना है, तो कैसे करूंगा। देखिए यहाँ पे निफ्टी का लाइव प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 49 पॉइंट आज निफ्टी हमारा ऊपर है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे निफ्टी के जो 50 शेयर्स हैं निफ्टी 50 के अंदर, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिनके मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहीं पे आप अगर चाहो तो निफ्टी का अपना चार्ट भी देख सकते हो और यहीं पे आप ऑप्शन चेन देखोगे। तो ऑप्शन चेन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख पाएंगे ऑप्शन चेन हमारा खुल के यहाँ पे आ जाएगा। नए वाले एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन चेन का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आपने काफ़ी टाइम हो गया आपको एंजल वन यूज़ किए तो आप देखोगे यहाँ पे मेजर चेंजेस आए हुए हैं। तो अभी आप देखोगे कि जो हमारा स्पॉट प्राइस है वो करीबन 22,576.75 पे अभी चल रहा है। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे कॉल बाई करना है, निफ्टी का कॉल बाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ 22,550 का कॉल मेरे को यहाँ पे निफ्टी का बाई करना है। मैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ रोबो ऑर्डर लगाना सिखाऊंगा, बल्कि आप जो है अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस दिन आपका सारा कैलकुलेशन कैसा है, उस हिसाब से आप सभी लोग कॉल पुट्स जो भी चाहिए बाई कर सकते हैं। ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो मान लीजिए 22,550 का जो कॉल है 95-96 रुपये पे चल रहा है, इसको हमें रोबो ऑर्डर के थ्रू बाई करना है, यानी एक साथ टारगेट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देख पाएंगे बाई का ऑप्शन आएगा, बाई के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहां पे देख पाएंगे हमको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक कैरी फॉरवर्ड का, यहां पे नोटिफिकेशन आ गया हमारा एक, तो यहां पे पहला ऑप्शन दिखाई देगा कैरी फॉरवर्ड का, दूसरा यहां पे इंट्राडे का। ठीक है, तो देखिए रोबो ऑर्डर जो है ना हमारा, वो हमारा यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे के अंदर ही काम करता है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या फिर किसी स्टॉक का ऑप्शन हो, तो इंट्राडे के अंदर ही आपको रोबो ऑर्डर का फैसिलिटी देखने को मिलता है। तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक किया है मैंने, देखिए यहाँ पे, और स्मार्ट ऑर्डर जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ऑन करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे रोबो ऑर्डर का सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, रोबो ऑर्डर वाला सेक्शन यहाँ पे मिसिंग होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इंट्राडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख पाओगे कि एक रोबो ऑर्डर वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये रोबो ऑर्डर को कैसे यूज करते हैं अब ये देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक लॉट खरीदना है यहाँ पे निफ्टी का। ठीक है, एक लॉट के अंदर आपको पता है 25 क्वांटिटी अभी हो गई है, तो मैं यहाँ पे एक डालूंगा। और एक डालने के बाद यहाँ पे देखिए प्राइस के अंदर आप लोग जो है, या चाहे तो इसको मार्केट पे रहने दीजिए, चाहे लिमिट लगा दीजिए। जैसे अभी 95-96 रुपये पे चल रहा है, मैं चाहता हूँ ये 90 रुपये पे बाई हो, तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्राइस में 90 रुपये यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद देखिए रोबो ऑर्डर हमको यूज करना है, तो रोबो ऑर्डर को हमको क्या करना होगा, ऑन करना होगा यहाँ पे। तो नीचे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो रोबो ऑर्डर देखिए हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है, और तीन ऑप्शन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया वो यहाँ पे ओपन हो गए हैं। पहला क्या है हमारा स्टॉप लॉस प्राइस वाला ऑप्शन, दूसरा हमारा टारगेट प्राइस वाला ऑप्शन, और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन देखिए है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस, जो कि यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम ऑन करेंगे इसको। तो मैं ये भी बताऊंगा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है और इसको क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए 90 रुपये पे हम इसको बाई कर रहे हैं अपने ऑप्शन को, तो मैं चाहूंगा कि मेरा 10 रुपये नीचे यहाँ पे, तो मेरा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रहे। ठीक है, 10 रुपये नीचे 90 का हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 80 रुपये में डाल दूंगा। यानी कि अगर मार्केट मेरे हिसाब से नहीं जाता है, मेरे हिसाब से विपरीत जाता है और 80 रुपये पे आ जाता है, तो ये ऑर्डर हमारा सेल हो जाएगा। इसी तरह जब मैं 90 पे बाई कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा जो टारगेट रहे वो यहाँ पे 100 रुपये का रहे, यानी 10 रुपये ऊपर रहे, तो मैं यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे अपने टारगेट प्राइस में यहाँ पे डाल दूंगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे बाई प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये तीन ऑर्डर तो हमारे लग गए हैं। अब चौथा क्या है हमारा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के प्लस के ऊपर क्लिक करके मैं इसको ऑन करूँ तो यहाँ पे देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं।
तो बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या काम होता है, अगर आप कोई पॉइंट डाले तो जितने पॉइंट आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप में डालते हो उतने पॉइंट का आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। यानी जैसे आपने क्या किया, कोई ऑप्शन है आपने 100 रुपये में खरीदा, 90 रुपये पे आपने क्या किया स्टॉप लॉस लगा दिया और 5 पॉइंट का आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, तो 100 रुपये ये 90 रुपये वाला जो आपने ऑप्शन खरीदा है, 100 रुपये वाला ये जो ऑप्शन आपने खरीदा है 90 पे स्टॉप लॉस लगाया है, ये बढ़ते बढ़ते अगर 105 पे चला गया तो स्टॉप लॉस जो आपने 90 रुपये पे लगाया था वो 5 रुपये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 95 पे आ जाएगा। इसी तरह से 105 से फिर 110 होगा जब, तो फिर क्या होगा आपका 95 से जो है फिर से ये ऊपर 5 पॉइंट जाके 100 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करता है, जो हाथ में आया प्रॉफिट रहता है वो हमको जाने नहीं देता है, तो वो प्रॉफिट हमें बचा रहता है। तो इसी तरह से हम जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके जो भी प्रॉफिट हाथ में आ गया है उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए इस ऑर्डर के अंदर 90 रुपये पे हमने क्या किया है, यहाँ पे बाई प्राइस लगाया है और 80 रुपये पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस में मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 रुपये का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूँ 2 पॉइंट का, तो क्या होगा, अब 90 रुपये पे मार्केट जैसे ही आया ये ऑर्डर हमारा बाई हो जाएगा, बाई होते ही हमारा 2 ऑर्डर सिस्टम में और लगेगा, एक स्टॉप लॉस वाला एक टारगेट वाला, स्टॉप लॉस 80 पे टारगेट 100 पे, ठीक है। अब देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या काम होता है, 80 रुपये पे जो स्टॉप लॉस हमारा लग गया है, अब अगर 90 रुपये पे हमारा बाई होते ही ये प्राइस क्या हुआ ऊपर चला गया, 90 रुपये से ऊपर चला गया यानी 2 रुपये ऊपर चला गया, करीबन 92 रुपये पे चला गया, तो जो स्टॉप लॉस हमने 80 रुपये पे लगाया था वो ऊपर शिफ्ट होके 82 पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये फिर और बढ़ गया 94 पे चला गया, तो क्या होगा 2 रुपये और स्टॉप लॉस हमारा शिफ्ट हो जाएगा 84 के ऊपर। तो इस तरह से जितने जितने ऊपर जाता रहेगा मार्केट हमारा उतना उतना ऊपर हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वापस से मार्केट गिरना शुरू हो जाए तो स्टॉप लॉस हमारा 84 से 82 पे आ जाएगा, 82 से 80 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार जो स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ वो नीचे नहीं आएगा, तो और मार्केट अगर गिरेगा तो वहीं पे वो सेल हो जाएगा, यानी हाथ में आए प्रॉफिट को ये जाने नहीं देगा। तो इस तरह से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, अपने रोबो ऑर्डर को यूज करके यहाँ पे हमने बाई प्राइस भी लगाया, उसके बाद हमने अपना यहाँ पे रोबो ऑर्डर का यूज करके स्टॉप लॉस भी लगाया, टारगेट भी लगाया और ट्रेलिंग स्टॉप भी लगाया, स्टॉप लॉस भी लगाया, ठीक है। तो अब क्या है, फंड का जितना रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे आप देख पाओगे उतना फंड यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए। चार्जेस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐड फंड करके उतना जो है यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दोगे, ऑर्डर प्लेस होते ही क्या हो जाएगा, अब ये आपका पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी देखिए 98 रुपये पे चल रहा है, 99 रुपये पे चल रहा है, जैसे ही ये गिरते गिरते 90 पे आएगा वैसे ही ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होते ही सिस्टम में 2 ऑर्डर और लगेंगे, एक हमारा स्टॉप लॉस वाला एक टारगेट वाला। अब वेट करेंगे हम, देखेंगे किस तरफ उठ बैठता है, अगर स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा हमारा तो 80 पे हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे और हमारा टारगेट वाला ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर हमारा टारगेट हिट होगा यहाँ पे तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना काम करता रहेगा जैसे जैसे हमारा मार्केट ऊपर जाता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है, पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।